नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खिड़किया घाट दिखाने वाला हूं, जिसको स्मार्ट घाट बनाया जा रहा है और यह देश का सबसे अत्याधुनिक घाट होगा। खिड़किया घाट से लेकर राजघाट तक जो लागत है उसकी 35 करोड़ है, जो फेज़ वन का काम है। अब फेज़ टू में खिड़किया घाट से लेकर आदि केशव घाट तक जिसकी लागत 50 करोड़ रुपये है और उसमें 2 हेलीपैड बनाया जा रहा है और शाही नाले के पास सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, जो देखने में काफ़ी अद्भुत होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बैक कैमरे से पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये वाला, ये चला जाता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगल सराय, और इसके ठीक बगल में ही जो रास्ता ये वाला देख रहे हैं, ये चला जाता है खिड़किया घाट, जहाँ हम लोग चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रोड नया बना दिया गया है और नालियाँ बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस खिड़किया घाट की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला हूं और फर्स्ट फेज सेकंड फेज की पूरी जानकारी देने वाला हूं। उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में कितनी गाड़ियां पार्किंग होगी वो बताऊंगा। इसे दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और यहाँ से देखिए पावर सप्लाई वगैरह, लाइट भी चला गया मान लीजिए तो यहाँ जनरेटर रखा गया है। ये पूरा पावर हाउस बनाया गया इधर साइड पूरा। और पार्किंग की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 50 4 पहिया और 100 2 पहिया वाहन पार्किंग होगी। ये देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं ये पूरा 2 पहिया वाहन पार्किंग वाली होगी, मतलब पीछे का पूरा मंदिर साइड देख रहे हैं वहाँ से लेकर ये तक, ये 2 पहिया वाहन पार्किंग है और 4 पहिया वाहन पार्किंग उस साइड बनाया जा रहा है। चलिए आगे नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको हम। जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे पूरी जानकारी देते चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर जैसे आप उतरेंगे 4 पहिया लेके या 3 पहिया तो आपको यहाँ पर CNG स्टेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप CNG भरवा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं और देखिए एंट्री यहाँ से होगा। देखिए बोर्ड लगा हुआ है कि गाड़ियों की एंट्री साइड से होंगी। चलिए और नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं सामने, ये है शौचालय, और इसके आगे ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर RO प्लांट, मतलब पानी उन्हें मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएँ होंगी। चलिए मैं रोक कर गाड़ी अच्छे से जानकारी देता हूँ आपको। बनारस के 80 और धर्मसमेत घाट पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग घूमने आते हैं। बनारस की सुबह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हो भी क्यों ना, जहाँ गंगा नदी किनारे सुबह की छटा अनोखी और निराली दिखती है, इसे देखने के लिए विदेशी सैलानी खींचे चले आते हैं। लेकिन काशी में एक और ऐसा घाट तैयार हो रहा है जो 80 घाट और दशाश्वमेध ही नहीं सभी 84 घाट से खूबसूरत दिखने वाला है। हम बात कर रहे हैं खिड़किया घाट की, जहां देश विदेश के पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। रजवाड़े की तरह ठाट बाट सा बेहद खूबसूरत दिखेगा। यह टूरिस्ट प्लेस करीब 46 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ियों के साथ साथ रैम्प की व्यवस्था रखी गई है ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग आसानी से चढ़ उतर सकें। ये घाट अपने आप में अनोखा होने वाला है और देख सकते हैं इस तरह का रैम बनाया गया, काफ़ी चौड़ा काफ़ी आरामदायक। मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट लगाया गया है। अब हम लोग रैम से धीरे धीरे उतर रहे हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये घाट कितना सुविधाजनक है, और सबसे बड़ी बात इस घाट की यह है कि इस घाट पे आपको CNG स्टेशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो नावें चल रही हैं उनके लिए CNG भराने हेतु बनाया गया है। और वहीं इस घाट के पास ही जेटी भी बनाया गया है, क्योंकि पहले जो भी श्रद्धालु यहाँ आते उनका गंगा जी संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन जब कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी ने यहाँ पर निरीक्षण किया तो उन्होंने सलाह दिया कि ऐसा रैम बनाया जाए या फिर ऐसा सीढ़ी बनाया जाए जिससे गंगा नदी तक लोगों का संपर्क हो सके। वही यहाँ पर देखिए किया गया, मैं पास आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बनाया गया था इस तरह का रेलिंग, लेकिन इसे तोड़ा गया है। दिखाता हूँ मैं कहाँ तोड़ा गया है। देखिए ये यहाँ पर तोड़ा गया है और यहाँ से रास्ता निकाला गया है, सीढ़ी बनाया गया है हाल ही में। देखिए यहाँ पर लोगों को उतरने के लिए ये रैम भी बनाया गया है ताकि आसानी से बुजुर्ग और दिव्यांग लोग यहाँ से उतर सके। चलिए नीचे उतरते हैं और आपको फ्लोटिंग जेटी दिखाते हैं। और यह लगभग 11.5 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसमें से 1.6 एकड़ में आपका बनेगा MP थिएटर, मल्टीपर्पज़ थिएटर। दिखाऊँगा मैं आगे। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत घाट लग रहा है ये।
अभी तक का सबसे अद्भुत घाट है ये। और वहाँ जो आप देख रहे हैं इस साइड, वो है आपका सीएनजी स्टेशन। जितने भी वाराणसी में 1600 लगभग नावें चलती हैं, उनमें सीएनजी किट लगा दिया गया है और सीएनजी भरवाने वो यहीं पर आएंगे खिड़किया घाट के पास। दोस्तों सामने आप देख सकते हो सूर्यदेव जी, यहाँ पे बोटिंग हो रहा है, मतलब मछली पकड़ा जा रहा है। ये जो ब्रिज देख रहे हैं, इसे पहले डफरिन ब्रिज नाम था, फिर मालवीय ब्रिज हुआ और राजघाट के पास पड़ता है, इसलिए राजघाट पुल भी कहा जाता है। और बता दूं दोस्तों कि इस घाट को जल नभ थल से जोड़ा जा रहा है, यानी ये रेलवे जो पुल है ये डबल डेकर पुल है, यानी जिसे कहते हैं रेल कम रोड ब्रिज। नीचे रेलवे लाइन है, ऊपर रोड है, तो रोड से हो गया थल, रेल से हो गया और जल से हो गया, तीनों से जुड़ गया ये। अब बात करते हैं हवा से, तो हवा के लिए देखिए वहाँ पर फेज़ टू में दो हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है, यानी दो हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकते हैं वहाँ पर बनाया जा रहा है। और यह प्रोजेक्ट जो है फेज़ वन का 13 दिसंबर 2021 को उद्घाटन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसी घाट से नौका विहार करते हुए प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे। और बता दूं कि इस बार लगभग यहां पर यूपी के, मतलब यूपी क्या, लगभग 14 मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे। चलिए और भी नज़ारे आपको दिखाते हैं, इसी तरह मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ का जो फर्श है और आगे के धूल के साफ़ हो गया है, देखने में कैसा लग रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। और इस घाट के जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है पर्यटन सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया, योग व मेडिटेशन स्पेस, वॉल आर्ट एवं मिनरल, सेल्फी पॉइंट व एम्पी थिएटर। वह यहाँ की विशेषताएँ हैं, बच्चों के खेलने हेतु प्ले जोन, सी एन जी नाव होते फिलिंग स्टेशन व वाहन पार्किंग की सुविधा भी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर घाट को धोल दिया गया है, काफ़ी अच्छा घाट लग रहा है। चलिए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और आपको यहाँ पर जो मंच बनाया है वो दिखाता हूँ कैसा लगता है। दोस्तों वॉइस मेरी क्वालिटी कैसी आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बनाया गया यहाँ पर। यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, ये देखिए हरियाली कितना ध्यान रखा गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो भी मंच बना है यहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये वाला बैठने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ देख रही है ऊपर नीचे उतरने के लिए है। ये देखें करतब चालू, ये जो देख रहे हैं ये मंच बनाया गया है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा आरती भी होगी। और इस पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है, ये देखिए ये सीढ़ी है, इस पर चढ़ते हैं हम। ये देखिए इस पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी इधर, और इस साइड लाइटिंग की व्यवस्था होगी। चलिए ऊपर साइड दिखाता हूँ मैं आपको, स्मार्ट सिटी योजना द्वारा वाराणसी के घाट का, मतलब वाराणसी का नक्शा दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा स्टील कॉटन से बनाया गया है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये जितना पानी इसमें पड़ेगा उतना इसकी लाइफ बढ़ती है, क्योंकि एक जंग वाला जो कोटिंग इसके ऊपर पड़ जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। यहाँ पर देखिए घाटों को धुला गया है, ये साफ सुथरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, कि जैसे जैसे दिन पास होते जा रहा है वैसे वैसे फिनिशिंग काम तेज़ी से होते जा रहा है। ये देखिए पूरे बनारस का नक्शा दिखाया गया यहाँ पे। टाइमलाइन इंस्टॉलेशन, वाराणसी में जो मुख्य जगह उसके बारे में दिखाया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी मेरा कॉलेज जहाँ मैं अपनी पढ़ाई किया हूँ, राजघाट, रामनगर में फेमस रामलीला, अपच कोसी यात्रा जिसमें भीमचंडी, रामेश्वरम, पंच पांडव
कपिलधारा मणिकर्णिका घाट कर्दमेश्वर महादेव दिखाया गया यहाँ पर। अभी साइड का फिनिशिंग काम बाकी है और इस साइड का दिखाया गया है, देखते हैं इस साइड। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है। सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिखाया गया है। अर्ली में कैसा था, मतलब अर्लीस्ट प्राचीनतम में 10वीं 8वीं शताब्दी में दिखाया गया है। 17वीं 18वीं पूरी जानकारी आपको दिया गया है यहाँ पे अच्छा खासा। और 30वीं शताब्दी में मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ की यात्रा की थी। और यहाँ पर भक्ति आंदोलन के बारे में बताया गया है, कुषाण और गुप्त काल के बारे में बताया गया है, चीनी अति फहान और हिंसांग वाराणसी जीवाज तब के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर अद्वैत दर्शन के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का वाराणसी आगमन जो बताया गया 18वीं शताब्दी में। अब देखिए दुकान वकान भी यहाँ पर खुलेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए घाट धुलने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए रैंप बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। चलिए गेट खोला आपको दिखा देता हूँ सीएनजी स्टेशन भी, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ऊंचाई से थोड़ा। दोस्तों वीडियो भले बड़ा बने भी पूरा दिखेगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये देखिए ऊंचाई भी हम लोग आ गए और यहाँ से देखिए पूरा। यहाँ पर लोग बैठेंगे, यहाँ से कार्यक्रम देखेंगे। लगभग घाट पूरा तैयार है। और दिखाता हूँ मैं, हम लोग आगे सीएनजी वाले जगह पर। ये देखिए पाइपलाइन गई सीएनजी वाली पाइपलाइन गई, इसके नीचे से चार गई है। ये देखिए यहाँ पर रामायण का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर जब नाव पर बैठते हैं श्री राम भगवान जी गंगा नदी को पार करने के लिए तब का। हम लोग आ गए सीएनजी स्टेशन। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बनाया गया है, भगवान शिव जी का गेल इंडिया का नाव दिखाया गया है। ये देखिए ये भाई साहब को लग रहा है फोटोग्राफी कर रहा है ये वाला। हाँ, कार ऑटो के लिए सीएनजी स्टेशन। वैसे धूप इस साइड से आ रही है ना, इसीलिए सही आ रहा है वीडियो। इधर से मैं वीडियो बना रहा था तो बेकार आ रहा था, यानी ब्लैक आ रहा था। सीएनजी भरने से तो पूरी जानकारी लिखी है। यहाँ पर देखिए पूरा चित्रमय अच्छा काफ़ी दिखाया गया है, चित्रमय एकदम पूरा। यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से एग्जिट होगी गाड़ियों की, ये सही है। अब चलिए आपको चार पहिया वाहन पार्किंग दिखा देता हूँ। दो पहिया दिखाई दिया था आपको, यहाँ से गाड़ियाँ एग्जिट करेंगी। और यहाँ पे क्या लग रहा है यार, ओहो जैसे दोस्तों वहाँ पे देखे थे आप, यहाँ पे लगा था जो उस तरह यहाँ कुछ लगेगा। कुछ लगा नहीं लगा, लापता जो हो गए उनका फ़ोटो लग गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दुकानें बनी हैं जो बनी खुलेंगी। और यहाँ जो देख रहे हैं सब पार्किंग स्थल है पूरा, ये सब दो पहिया इसके पीछे है बताई दिया मैं आपको। और जो ट्रेन चलती है तो नीचे गंदगी भी गिरती है। वैसे बायो टॉयलेट हो गया है लेकिन तब भी यहाँ पर शेड बनाया जा रहा है ताकि जो आए जाए उनको दिक्कत ना होए। अब आए हैं तो पूरा घाट दिखाई दूँ आपको। ये देखिए ये है चार पहिया वाहन पार्किंग, ये साइड पूरा ताज़ा है क्या देखें। हाँ रात में ही ढलाई हुआ लग रहा है, ताज़ा अभी।
मैं तो चल के दिखाता, कच्चा चलना सही नहीं है अभी। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ शेड बनाया जाएगा इसे कि गंदगी मलमूत्र कुछ गिरे ना। यहाँ देखिए पेंट भी किया गया इसको, इतना और भी पेंट किया गया। देखिए पूरा पेंट करते तो बढ़िया लगेगा, और एक बार मज़ा आ जाएगा एकदम। जब धूप होता है इस पर, जब लाइट पड़ता है, एकदम चांदी तरह चमकता है ये पूरा पुल। देखिए ये गैम्बियन विधि द्वारा यहाँ पर पत्थरों को बांध कर घाट का कर दिया जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से गाड़ियाँ आके उतरेंगी, अब पाथवे बनाए गए, लोग उस घाट तक जा सके, भैंसासुर घाट तक। काम काफ़ी तेज़ चल रहा है, 13 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। देखिए काम कितना पहुँचा है, लगभग मान लीजिए कम्प्लीट ही है। ये फिनिशिंग करने में क्या, रात भर मेरा ढलाई कर देंगे पूरा, और क्या। अब देखिए यहाँ से भी रास्ता है पूरा जाने के लिए, देखिए यहाँ से भी रास्ता पूरा है आने जाने के लिए। अब देख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा पूरा है, इस साइड दिखाता हूँ। चलिए आपको आगे दिखा देता हूँ, भैंसासुर घाट ये भी फेज़ वन का ही पार्ट है, इसका भी उद्घाटन होने वाला है इसलिए। ये देखिए इतने बड़े बड़े हिम पाइप डाले गए हैं, एक सब्सक्राइबर ने मैंने कमेंट कर पूछा था कि ये जालियों जो पत्थर बांधा जा रहा है, जालियों जंग तो नहीं लग जाएगा। अब क्या ही जवाब दूँ उसका मैं। ये देखिए बड़े बड़े पाइप डाले गए यहाँ पे, ये देखिए रैम की भी ढलाई की गई हाल ही में, जो रैम बना है। यहाँ से पूरा घाट दिखा दूँ आपको, ये देख लीजिए दोस्तों, लागे घाट ये भी पूरा तैयार है। ये जो देख रहे हैं ये ऐसे करके पूरा इसमें पेड़ पौधे लगेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।